अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 66 न्यूज़। मैं हूं ज़ुल्कर्नैन इकबाल और प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मरूफ एंकर पर्सन कंबर ज़ैदी। जी टी वी से इनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर जो लीगल मामलात हैं और ख़ासकर पॉलिटिकल भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम चीज़ों पर। सईद बलोच उसके हमारे साथ हैं, नियो टी वी से इनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट नासिर प्रेस एसोसिएशन के ये मेम्बर एग्जेक्टिव बॉडी भी हैं बल्कि बीट रिपोर्टर भी हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और बाज़ औक़ात हाई कोर्ट और दीगर मामलात में भी ये जो है ना जाके कवरेज करते रहते हैं। इनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आज डिस्कस करते हैं साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ की जो आज पेशी हुई है इस हवाले से। तो कमर ज़ैदी आपकी तरफ आऊँगा, आपको नहीं लगता अगर आज ही पूछ लिया जाता नैब से कि आपका क्या मौकफ है तो सारा मामला इतना ही क्लियर हो जाना चाहिए, अगली समाअत तक नौबत ही ना आती? ज़ुल्कर्नैन थैंक यू वेरी मच, और ये बड़ी आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि नैब जब कह रही है कि हम सिर्फ हमें आधा घंटा दिया जाए तो आज ही मुका देना था फिर, कि क्या जरूरत थी ये जो अदालतों में हम देख रहे हैं एक ड्रामा ही हुआ ना। आपने नैब ने बेसिकली क्या करना था, ये करना था प्रूफ करना था जो नवाज शरीफ के वकील उनके अगेंस्ट जाना था, बताना था आपने ये केस बनाया है, आपने इस पर मेहनत की है। अच्छा आज मजे की बात ये हुई कि नैब ने कहा है कि हमने जेआईटी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अदालत में नैब ने बताया कि सिर्फ जो जेआईटी के 10 वॉल्यूम है इसकी बेसिस पे हमने फैसला लिया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और फिर आज अदालत में एक जो बड़ी बात हुई है नाज़रीन, वो ये बात हुई है कि जस्टिस आमिर फारूक ने, जो कि एक्सपेक्टेड था पहले से, जस्टिस आमिर फारूक ने इसकी फर्द जुर्म को जो है ना उस पर सवालात उठा दिए कि ये फर्द जुर्म जो है ना सही आयद नहीं हुई भी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्द जुर्म एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर केस का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, गवाहों के बयानात कलम बंद होते हैं, पूरी जो आप कह सकते हैं केस की बिल्डिंग जो है बुनियाद वो फर्द जुर्म पे होती है। और अगर आप फर्द जुर्म पे सवालात उठा देंगे, एक आदमी को 10 साल सजा होगी है लेकिन आप कह रहे हैं कि फर्द जुर्म उसकी सही नहीं थी, यानी उस इमारत की बुनियाद सही नहीं थी। इसका मतलब तो ये है कि जजेस तैयार बैठे हैं नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए, और वही नजर आ रहा है कि नैब जो कि आप कहता नजर आ रहा है कि आधा घंटा थे कर लेते सर आधे घंटे में, ये वही आमिर फारूक साहब हैं जिन्होंने फर्द जुर्म के वाले से इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद की थी जब उन्होंने कहा था सही नहीं लगी। एग्जैक्टली, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने पहले ही बता दिया वो अगली दफा ठीक करके लगा देंगे। अब ये देखें, मतलब यानी अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों में जिस तरह से मामलात होते हैं, जिस तरह से हमें अदालतों में सामना करना पड़ रहा होता है डेली की बुनियाद पे, हम तो देखते हैं ना कि वही जज, और यही आमिर फारूक है ना ज़ुल्कर्नैन साहब जिन्होंने इमरान खान साहब की जमानत का फैसला दिया और मेन केस के मेरिट्स को टच कर लिया। और जब केस के मेरिट्स को टच कर लिया जाता है इसका मतलब है कि वो आपने पहले ही उस केस को मुतासर कर दिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट वाला जज जो देखेगा वो कहेगा हाई कोर्ट के जज ने इस पर क्या कहा हुआ है। तो ये बड़ा बुनियादी असूल है कि आपने केस के मेरिट को टच किए बगैर जमानत का फैसला कर रहा है, और वो फिर उसी तरह हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो चैलेंज हो गई है। और आपको पता है कि जस्टिस तारिक जो है उस केस की समाअत कर रहे हैं, आइंदा आपको पता लगेगा कि उस केस में क्या होगा। लेकिन अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इमरान खान साहब की जमानत बनती है, इसके साथ अभी देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस तरह से डिलीवर करती है या नहीं। इंडिपेंडेंट जजेस हैं, अगर हम कहते हैं इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बैठें कि सुप्रीम कोर्ट आजाद है तो मेरा ख्याल से जमानत तो बनती है इमरान खान साहब की। अच्छा ये सईद बलोच साहब आप बताइएगा कि अमजद परवेज साहब जिस अंदाज में आज आर्ग्यू कर रहे थे और उनका तो कहना है, उन्होंने टोटल जो प्री पनामा था वो सारी कहानी घड़ी और कहा कि इस तरीके से मामला हुए, फिर जेआईटी बनी और फिर ये हुआ और फिर वो हुआ। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने दो तीन टॉन्ट किए इसमें, वो टॉन्ट बेसिकली क्या थे, उन्होंने कहा कि जो पहले केस ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन थी एक जज के ऊपर अदम एतमाद का वाला मामला था, एक दो एप्लीकेशन नवाज शरीफ की थी जो हाई कोर्ट में की, उनका क्या बना? तो नवाज शरीफ के वकला ने उनको बताया कि जी वो तो डिसमिस हो गई थी, वो किसके पास फिक्स हुई थी, आमिर फारूक साहब के पास। तो आज जो इतराज आमिर फारूक साहब पे एक पार्टी कर रही है, पहले ये दूसरी पार्टी को भी इसी किस्म का इतराज रहा था, अब ये पार्टियों को अच्छा बुरा कहीं ना कहीं बहरहाल तो जज ही एक ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है अगर वो सारा मामला पॉलिटिकली या पीछे से किसी और ने हैंडल किया हुआ था तो। देखें ज़ुल्कर्नैन, मामला यहाँ पर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गालबन इस वक्त 7 जजेस अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हैं वो देखें तो वो सारे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। बहुत सारी दरख्वास्तें हैं उनकी,
जो उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, और मेरे ख्याल में मैं उनको कहता हूँ कि वो पेपर वेट बने हुए हैं। इमरान खान साहब की जितनी भी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब पेपर वेट है, वो ऊपर रखा हुआ है उन्होंने, और ना वो दरखास्त किसी और के पास जाती है। अभी आप देखें कि पिछले दिनों जब हाई कोर्ट के रूल्स में तरमीम के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक जो नोट कह लें उसे, या जो उनका फैसला सामने आया, तो उसमें भी यही सवाल उठाया गया। और फिर देखें कि उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद यह हुआ कि अगर चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पर भी है तो रजिस्ट्रार फिर उनसे राबता करके वो हिदायत लेगा, और कहा यह गया कि तमाम जो कंट्रोल है या जो इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस साहब के पास ही होंगे। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो पीटीआई के हवाले से कंडक्ट है वो तो हमारे सामने है, तमाम फैसले, तमाम दरखास्तें। अच्छा सईद, आपसे एक और सवाल है मेरा, ये मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी जमानत नहीं हुई भी एवन फील्ड में, तो चले उनकी जब अपील अलाउ हुई साथ ही तो बेल भी बहाल होगी उसमें, क्योंकि पहले से हुई हुई थी, अलजीजिया में उनकी जमानत नहीं थी और ना ही जो जमानत एक्सटेंड करने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब ये कैसा केस था कि बंदे की जमानत नहीं हुई, वो कागजों में सजा पे और वो अदालत के अंदर भी बैठा हुआ है, और जज उसको हाजिरी से इस्तिस्ना के भी कहा कि जी आप दरख्वास्त दे दें, ये नहीं ऑर्डर दिया कि जी उठा के जेल में डालें, क्योंकि वो पता है नैब ने खुद ही कह दिया हमने तो पकड़ना ही नहीं है। इस चीज को किस तरह देखते हैं आपके, बंदा सजा ही याफ्ता भी और अदालत के अंदर बैठा है, बेल भी उसकी बनी हुई, सजा सस्पेंड भी नहीं हुई। देखिए ज़ुल्करनैन, यहाँ पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस हद तक एक्सपोज हो चुका है। आप देखें कि तकरीबन मई जून के महीने में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से ये बयानात सामने आना शुरू हो गए थे कि हम अदालतों को मैनेज कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम मामलात तय कर रही है, और नवाज शरीफ साहब के आने से पहले तमाम जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि वो चीज़ें सारी तय हुई। फिर आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 अक्टूबर को जिस तरीके से नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अपने जो दलाइल है वो अदालत के सामने पेश किए गए, और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी की गई, इस्लामाबाद की टीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टीम को भेजा गया कि वो जाएँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाकर वो बायोमेट्रिक करवाएँ, तो इस तरह की सहूलियात इससे पहले तो हमने नहीं देखा कि किसी और सियासी लीडर को ये फ्राहम की गई हैं। तो ये सहूलियात तो हमने सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए हम ये देख रहे हैं। और यही चीज़ें, अब जैसे एक नुक्ता आपने उठाया कि नवाज शरीफ साहब को जमानत उनकी आगे उसमें तौसी हुई नहीं थी और वो अदालत में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल उन्हें मिलता है, 2 से 3 जो जैमर्स गाड़ियां हैं वो उनके प्रोटोकॉल के साथ होती हैं, तो तमाम तर जो एक रियासत का लाडले का प्रोटोकॉल है वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। और आप देखें कि इसी टैग को ख़त्म करने के लिए गुज़श्ता दिनों ये खबरें आई थी कि मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि वो नवाज शरीफ साहब पर से जो ये लाडले का एक छाप उनके ऊपर लग गई है इसको ख़त्म कराने के लिए वो कुछ ज़रूरी इकदाम करें। तो नवाज शरीफ साहब को हमारे मंशूर कमेटियों से इस तरह के वो टैग हटते नहीं है। दूसरी जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जी जी, और एक और छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाईकोर्ट नवाज शरीफ साहब की जो है वो इसमें सहूलतकारी कर रही है, मेरे ख्याल में वो जो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया था वो 50 रुपए भी नवाज शरीफ साहब को इस फैसले के साथ वापस कर दिया जाना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये भी कहे कि हम माफ़ी मांगते हैं कि आपके खिलाफ ये तमाम मुकदमात बने और ये मुकदमात नहीं बनने चाहिए थे, करप्शन पर आपकी कोई पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा कंबर, कल की बात करते हैं, कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पेशी का हुक्म है और समात मुकर्रर है, जज साहब ने ऑर्डर भी किया हुआ है कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाए, क्योंकि जेल ट्रायल तो इस वक्त हो नहीं रहा, ना अभी इस वक्त तक कोई नोटिफिकेशन है, सेक्शन 352 का प्रोसीजर भी अभी तक कोई अमल में नहीं लाया गया, तो आपको लगता है कि कल उन्हें पेश किया जाएगा या फिर उसी तरीके से जैसे फवाद चौधरी की चालान पेश किए बगैर ही, जो चालान पेश ना हो तो हाजिरी ऑनलाइन होगी, उनको ऑनलाइन हाजिरी उनकी करवाई जाएगी? क्या वैसे इस्लामाबाद पुलिस ने तो इजाफी सिक्योरिटी के लिए एक खत भी लिख दी है, वो पीटीआई ने अपने लोगों को कहा कि बिल्कुल आपने घरों से बाहर निकलना, कोई इस्तकबाल के लिए नहीं आएगा ताकि इस बहाने जेल ट्रायल ना हो सके, आपको क्या लग रहा है, क्या इतलाह है? बिल्कुल, एक खत लिखा गया और इस खत में इजाफी सिक्योरिटी मांगी गई है और इस खत में कहा गया कि बाकायदा तौर पर उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है बैरिस्टर गौहर जब ये तमाम मामला हुआ, पता लगा कि ये दोबारा ट्रायल होगा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स आएंगे और जिसके बायस हम ये देख रहे हैं कि ये एक हलचल है। लेकिन क्या इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है राइट नाउ,
क्योंकि इस पे मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। हमने देखा है कि जब से इमरान खान साहब हिरासत में है, उनकी एक तस्वीर भी बाहर नहीं आई है, और यही कंसर्न अभी इस्टेब्लिशमेंट का है कि इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को अवाम के सामने उनकी ना तस्वीर आनी चाहिए, ना वीडियो आनी चाहिए, ना ही उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम ज़ुल्करनैन एज ऑफ नाउ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जलसे हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, करक में बगैर लीडरशिप के जलसा हुआ, फिर आप देखें सवात में कल जलसा था, इससे पहले जो है दीर में जलसा था जिसमें शेर अफजल मरवत साहब गए, फिर शेर अफजल मरवत को भी कल रोक लिया गया। लोग बेताब है इमरान खान साहब की झलक देखने के लिए। उसको रोकने के लिए क्या वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब अपेयर होंगे और उन्हें कहा जाएगा कि अगले में आपको नकुल फराम होंगी, चार्ज फ्रेम होगा, ये तमाम कार्रवाई? क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला किया उसमें तो डीनोवो ट्रायल का कह दिया, डीनोवो ट्रायल यानी दोबारा से ट्रायल शुरू होगा, आगाज होगा। अगर ज़ुल्करनैन, इसमें दो पॉइंट्स हैं, अगर इमरान खान साहब अपेयर होते हैं तो मेरा ख्याल से ये भी इमरान खान साहब की एक जीत है कि वो अभी तक जो मंजरे आम पर नहीं आए, एस्टेब्लिशमेंट उन्हें रोकना चाह रही है और वो इमरान खान साहब एक मंजरे आम पे आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे जो साफी होंगे वो तस्वीरें वगैरह रोक नहीं सकते आप उसे। अगर इमरान खान साहब नहीं आए तब भी इमरान खान साहब की जीत है, वो किस तरह से? इमरान खान साहब अगर नहीं आते तो मेरा ये ख्याल है कि इस ट्रायल को हो सकता है जज साहब कहें कि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, मुलजिम को लेके आए, बिकॉज मुलजिम का वहां पे मौजूद होना जरूरी है जब नकुल दी जाए, जब चार्ज फ्रेम की बात की जाए। क्या इसको अगली पेशी पे ले जाया जाएगा, ये जज साहब का इस्तेकाक है, वो इसको ये तो डिपेंड करता है कि कल अगर इस्तगासा चार्ज फ्रेम करती है तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो ये दोनों सूरत हाल हमने इंटरप्रेट कर दी है। इससे कबल जो मेरी कुछ सोर्सेस से बात हुई, आपको पता है कि उन्होंने उस टाइम कहा था कि ये राइट नाउ ये जो मामला है इसे हम ऐसा मामला है कि आप इसको इससे आगे नहीं निकल सकते, आप इसको दरगुजर नहीं कर सकते, आपको पेश होना ही करना ही करना है। Exactly. लेकिन अब से जो इतलात, आपको पता है कल मोहम्मद मालिक साहब ने भी एक शो में, जियो के शो में कहा है कि इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि ना इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, इलेक्शन भी होंगे तो कैसे होंगे सबको पता है। तो नहीं, ये बात आपने नहीं करनी, सिर्फ भाभी के साथ आप कर सकते हैं, काजी साहब ने बड़ी सख्त पाबंदी लगाई। आज तो सुहेल बड़ाइच ने यार कॉलम लिख दिया है, वो कह सकते हैं यार, हम नहीं कह सकते भाई, हमने उन्होंने पाबंदी लगाई भी है। जिसकी बीवी ना हो यार वो क्या करे, वो अटॉर्नी जनरल साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो गर्लफ्रेंड से करे, मैंने कहा कोई फीमेल रिपोर्टर हो वो क्या करे, उस पे उन्होंने कहा कि वो बॉयफ्रेंड से ही आपसे रब्ता कर ले, तो ये वायरल, ये अटॉर्नी जनरल साहब की तशरीह थी। आपको यहाँ पे खबर भी दे दें कि अभी तक बड़ी सीरियस कंसिडरेशन है, इस टाइम वजीर आजम 2 दिन के लिए नहीं 8 दिन के लिए UAE गए हैं, वहाँ पे मामला सिर्फ जो है बायलैटरल ताल्लुकात का नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मामला है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको वो देंगे नहीं, वो बेसिकली मुआहदे होंगे, MOU साइन होंगे मुख्तलिफ मद में, और फिर इसको जवाब बना के इलेक्शन डिले की बात की जा सकती है। लेकिन ये अभी बड़ा जल्दी है, हम खबर दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है खबर तो आपके प्रोग्राम में फिर दे देना, ये तो फिर आपकी क्वालिटी है। अच्छा सईद, आपसे मेरा एक इसी से रिलेटेड सवाल है, अब ये बताएं कि अब जो पहले गलतियां की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, पहले भी इतने बड़े बड़े ब्रेन उन्होंने रखे हैं प्रोसिक्यूटर, किसी को ये नहीं समझ आई कि यार हमने ये पूरा प्रोसीजर करके जेल ट्रायल करना था, बगैर प्रोसीजर के जेल ट्रायल कर दिया, किसी ने सेक्शन 352 पढ़ा भी नहीं खोल के और ट्रायल शुरू करवा दिए, बाद में ये सुबकी का सामना करना पड़ा, कलदम हो गया सारा। अब आपको लगता है कि वो ये गलतियां चार्ज फ्रेम करने में और इनमें जो हो चुकी हैं उनको नहीं दोहराएंगे, या अभी भी वैसे ही काम चलेगा, या वो जैसे एक नून लीग के कैमरे साहब थे, ये कौन थे गालिबन जो कह रहे थे साड़ी उत्ते गल होगी, तो ये अभी वो साड़ी उत्ते गल हो गई है कि उम्मीद पे चले। देखिए ज़ुल्करनैन, इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें अमूमन जानबूझकर इस तरह के सुकम रखे जाते हैं, क्योंकि बाद में ताकि उनको यूज किया जाए और उनकी बुनियाद पर मुकदमात को निपटाने में आसानी होती है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बार्गेन करने के लिए लूपहोल छोड़े जा रहे हैं? मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये मुकदमात चले थे उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और नैब के जो प्रोसिक्यूटर उस वक्त तैनात किए गए थे वो भी वफाकी हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए थे, और उसमें मुस्लिम लीग नून ने ही वो प्रोसिक्यूटर तैनात किए थे, तो इसमें कोई ये दो राय नहीं हो सकती कि इस तरह की लूप होल्स का बाद में इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे पास एक और मिसाल है, आपको याद है कि गुज़श्ता साल जब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो फर्द जुर्म आयद होना थी उसके बाद हुकूमत तब्दील हुई,
डीजी एफआईए तब्दील हुए, प्रोसिक्यूटर उनके तब्दील हुए, और उसके बाद देखें कि एफआईए की लीगल टीम ने लाहौर की एहतसाब अदालत में क्या मौकफ इख्तियार किया और किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज इस मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस थे। 3,500 से जायद सफात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट्स थी, शवाहिद थे, तमाम रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि दो मुलजमान जिनके जो गवाहान थे, तफ्तीशी थे या दीगर जो शरीक मुलजमान हो सकते थे, वो तमाम मशकूक हालात में मार दिए गए या वो कत्ल हो गए या मर गए। और उसके बाद आप देखें कि एफआईए की जानिब से जो मौकफ इख्तियार किया गया, उसके बाद दोनों मुलजमान भी हमारे सामने हैं, बरी हो चुके हैं। तो इस तरह का जो यहाँ पर इस केस में भी ऐसा होना, ऐसी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एक अनहोनी होगी कि अगर इस तरह का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जाए। और नवाज शरीफ साहब के जो सही क्विकली अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, मुख्तसर आप जरा इस पर कमेंट रखिएगा। मरियम औरंगजेब साहब को इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने, हाँ साहिबा सॉरी वैसे मर्दों वाला काम कर रही हैं वो, तो साहब भी उनको हम कह सकते हैं। मरियम औरंग मेरी खैर पड़ोसन भी हैं तो मुझे इतना थोड़ा सा वो मार्जिन दे देंगे। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है 9 दिसंबर को। उन्होंने आज अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है बीट रिपोर्टर्स का, पीएमएलएन का, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि मैं खुद जाऊंगी, खुद पेश होंगी, जो मेरे साथ रिपोर्टर जाना चाहे वो भी मेरे साथ जा सकता है। तो आपको लगता है कि जब गिरफ्तार करने का हुक्म है तो इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा? देखें जुल्करनैन, मेरे ख्याल में हम सब बहुत भोले हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त पूरे पंजाब की, और वफाक भी वैसे तो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन पूरा पंजाब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी जुर्रत होगी कि वो मरियम औरंगजेब या किसी भी मुस्लिम लीग नून के दूसरे कायद को गिरफ्तार करेंगे। माजी में पिछले साल आप देख लें, राणा सनाउल्लाह के जो है वो वारंट जारी हुए थे और वो वारंट फील्ड में मौजूद थे, और राणा सनाउल्लाह साहब चूंकि वजीर दाखिला थे, इस वजह से उनको अदालत में पेश नहीं किया गया और ना वो खुद अदालत में पेश हुए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने गुज़श्ता चंद माह में हुई हैं, और अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल के हवाले से हम कोई बात करें या कोई पेशगोई करें, तो मेरे ख्याल में वो हमारी वो गलत नहीं होगी कि मरियम औरंगजेब साहिबा को कोई भी रियासती इदारा गिरफ्तार करने की मेरे नहीं ख्याल के कोई जरूरत करेगा कि उनको गिरफ्तार करके ले जाए। कंबर, आखिरी स्टोरी की तरफ आते हैं कि आज जो अडियाला जेल के बाहर हुआ बुशरा बीबी के साथ, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, इस पे मैं एक और एंगल से भी इसको देखता हूँ कि जब इसी किस्म की चीजें होती थी पीएमएलएन की खवातीन के साथ, तो ज्यादातर लंदन में या पाकिस्तान में भी कहीं, तो बड़ा उसको सेलिब्रेट एक तरह से किया जाता, देखें जी चोरों को आईना दिखा रहे हैं ये वो, तब भी मैं तो कम अज कम ये कहता था कि यार खवातीन की हद तक ना करें, बाकी जो उनके मर्द एमएलए एमपी है उनके साथ चले हैं, इत्तेजाज जरूर उनके सामने रिकॉर्ड कराएं। अब जब ये मामला पीटीआई के घर तक आया है तो अब फिर भी अगर पहले ही रोक दिया जाता तो मेरे ख्याल इतनी नौबत ना आती। वैसे वो जो एक पीटीआई के डिजिटल मीडिया ने बताया कि एक बंदा तो दिहाड़ीदार था जिसका फोन नंबर भी उन्होंने शेयर किया हुआ, वही मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हीं की बात करें जो किराए पे मुजाहिरीन बुला के एहतजाज कराया गया। जी 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 जी, रोकने के लिए तो देखें किराए के लोग तो इजीली अवेलेबल हैं, आप उन्हें पैसे दें, कहीं पे भी करा लें, कुछ भी करा लें, उन्होंने तो पैसे ले लें। असल एहतजाज तो वो होता है कि जो किसी ऐसी शख्सियत के खिलाफ हो जिससे आवाम को दुख और रंज पहुंचा हो या कोई तकलीफ पहुंची हो आपको। बुशरा बीबी का कितना अमल दखल था, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ठीक है पंजाब की हद तक, पंजाब में किस हद तक वो असरअंदाज, वो सारी चीजें तो आफ्टर इंक्वायरी तय होनी है, आफ्टर इंक्वायरी तय होनी है, अभी किसी पे इल्जाम नहीं लग सकता। जो पॉइंट है ये कि एक आम बंदे का बुशरा बीबी से क्या लेना देना है यार, अगर होगा तो इमरान खान से होगा, तो ये बेसिकली तो बुला के मेरे हिसाब से मुजाहिरा कराया गया, वो चाहे मुस्लिम लीग नून वाले उल्टा ही पड़ गया, हाँ उल्टा ही पड़ गया, चाहे वो मुस्लिम लीग नून वाले दिहाड़ीदार बुलाएं या पीटीआई वाले, हम दोनों की यहाँ बैठ के मुजम्मत करें। अच्छा सही, ये जो कहा जाता है कि इमरान खान ने इद्दत में क्यों निकाह कर लिया, इनको इद्दत में नहीं करना चाहिए था, वो शायद इंतजार कर रहे थे कि शायद को अपना को रिश्ता देना चाहिए उन्होंने खान साहब को, या क्या रोला था? यार जुल्करनैन साहब, बात ये है कि ये जो मुफ्ती है ना, मुफ्ती सईद साहब, जो जिनको दोबारा एक बार फिर गवाह बनाया जा रहा है, इनका एक वीडियो क्लिप गुज़श्ता दिनों मैंने सोशल मीडिया पर ही जी, वो मेंबर पे बैठे हुए थे और इन्होंने, और मौजू भी यही था कि क्या एक औरत जिसको तलाक हो जाए तो क्या अगर वो इद्दत में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसने इद्दत के दौरान निकाह किया है तो फिर इस सूरत में क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो औरत जिसने निकाह किया है अगर वो खुद ये बयान दे देती है
कि उसने इद्दत पूरी होने के बाद आगे किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह किया है तो फिर किसी दूसरे सबूत की ज़रूरत नहीं रहती। और इसमें एक और चीज़ देखें कि जो बुशरा बीबी हैं, इन्होंने 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी तो हम टीवी पर नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया था और वो इनका वाहिद इंटरव्यू है जो इन्होंने किसी भी न्यूज़ एंकर को दिया है। और उस इंटरव्यू में भी नदीम मलिक साहब ने इनसे सवाल किया था यही इद्दत के हवाले से। उस वक्त इन्होंने उस इंटरव्यू में, वो यूट्यूब पर मौजूद है, तमाम लोग उसको देख सकते हैं, उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैंने अपनी इद्दत अपने साबिक शोहर के घर में मुकम्मल की, पूरी की उस मुद्दत को, और उसके बाद मैंने इमरान खान साहब के साथ निकाह किया। तो जब एक औरत खुद कह रही है, अच्छा वैसे हाँ, इस हवाले से मेरी बात हुई है कुछ मजहबी जो रहनुमा उनसे, और मजहबी रहनुमाओं का ये कहना है कि ये ऑल्दो इद्दत के अंदर अगर कोई निकाह करता है तो ये गुनाह है, वो निकाह मैक्सिमम ये उसकी है कि या तोबा कर ले या निकाह दोबारा कर ले, इसके अलावा कोई नहीं है, ना कोई हद है, ना कोई सजा है, ना कुछ है। अब अदालत से कुछ लोग क्या निकालना चाहते हैं ये फिर उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ऐड करना चाहता हूँ, गुज़श्ता साल 8 जनवरी 2022 का लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला मौजूद है, आप उस पर उसको भी गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि दोबारा निकाह नहीं होगा। जी जी, उन्होंने ये कहा कि अगर इद्दत के दौरान भी कोई औरत आगे निकाह करती है तो वो निकाह बातिल या जना शुमार नहीं होगा, वो इरेगुलर होगा, बेकायदा होगा, और जब उस औरत की इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसका निकाह ऑटोमेटिकली रेगुलर या बकायदा हो जाएगा। दोबारा निकाह, इस तरह के फैसले हमारी अदालतों के मौजूद हैं, लेकिन इन फजूल किस्म के मौजूदात हैं जिनको एक उछाला जा रहा है। हम इस लेवल पे क्यों आग गिरे हैं कि हमने किसी की इद्दत, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके अफेयर्स डिस्कस करने हैं। आपने एक वजीर आजम को निकाला है, लेके हैं उसके खिलाफ के फलां ठेके में उसने इतने के बैग्स लिए थे, फलां उसकी बाहर से रकम आई थी उसकी रसीदें मौजूद नहीं है, फलां जो गिफ्ट लिया था तोशा खाना से BMW उसके हमने जो है पूरी रकम अदा नहीं की। आप इस चीज पे केस करें और ये अदालतों में चलाएं, लेकिन हम क्यों इस लेवल पे गिर गए हैं कि हमने उस शख्स की उस जगह पे जाना है। अब मैं मैं यहाँ पे देखें, बस इंतजार करें कि अब मियां खलीफा और सनी लियोन कब जो है ना कोई सियासी जमात की तारीख है कि दो वो पिछले 30 साल से अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ या तो औरतों का इस्तेमाल करते हुए इल्जामात लगाते हैं या फिर वो उनकी औरतों के ऊपर इसी तरह की कीचड़ उछालते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। और आप देखें कि बुशरा बीबी के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी वाहिद वजह में यही नज़र आती है कि शायद इमरान खान साहब समझौता करने को तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब पर, उनकी अहलिया पर इसीलिए कीचड़ उछाला जा रहा है ताकि वो दबाव में आएँ, समझौता करें और जो मकासद मुक्तदर हल्के हासिल करना चाहते हैं उनके वो मकासद पूरे हों। चलें जी, बहर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़।